अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज जो है मैं जा रही हूँ के किटी सेंटर में ट्रिलोजी आइस पे, जहाँ पे के मेरा लेज़र ट्रीटमेंट, लेज़र हेयर रिमूवल जो ट्रीटमेंट है मैं वो ले रही हूँ। आज मेरी यहाँ पे सेकंड मेरी अपॉइंटमेंट है इनके साथ। फर्स्ट जो सिटिंग थी उसमें ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं सेकंड जो इनकी है सिटिंग वो भी ले लूँ। तो आज मेरी इनके साथ सेकंड सिटिंग है, लेकिन हम लोग जब पहुँचे तो हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे। थैंक्स टू डॉक्टर, बहुत अच्छे और बहुत नाइस डॉक्टर हैं, उन्होंने उसके बावजूद टाइमिंग ख़त्म होने के बावजूद उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कर दिया। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा, ये ऊपर वाले पोर्शन में है के किटी सेंटर में, ये फर्स्ट फ्लोर पे हैं, UK's नंबर वन एस्थेटिक ट्रीटमेंट सेंटर, तो नाउ इन पाकिस्तान। ये देखें, ये इस पिक में आप देख सकते हैं ये लाइन्स एंड रिंकल्स, पिगमेंटेशन, स्किन टाइटनिंग, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है ये ट्रीटमेंट करते हैं। लाइपोसेक्शन भी करते हैं, फुल बॉडी हेयर लेज़र जो है रिमूवल वो भी है इनके पास। तो एक्नी के लिए भी, जैसे एक्नी प्रोन स्किन होती है उसके लिए भी लेज़र में काफ़ी ज़्यादा जो है एडवांस्ड इसके बाद ये देखिए, ये मैं अपने किचन में हूँ, मेरा जो फूड है ये काफ़ी गंदा हो चुका है, तो मैं इसके लिए आपको रीज़न बताती हूँ। एस्टोनिश मैंने यूज़ किया इसको साफ़ करने के लिए, तो इसके गंदा होने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि मैं, क्योंकि मेरा सिजेरियन हुआ था और मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी क्योंकि जॉब भी करती हूँ। बेटा जो है सबसे छोटे वाला वो अभी कुछ दिन पहले 1 ईयर ओल्ड हो चुका है, उसकी फ़र्स्ट बर्थडे हम लोगों ने की है, तो मेरे एग्ज़ाम्स थे, फिर साथ में जॉब भी है, साथ में बच्चों को भी संभालना, तो मुझे टाइम नहीं मिला तकरीबन। और छोटा बेटा जो था वो तकरीबन 2 माह से शदीद बीमार था, तो मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं किचन हुड को साफ़ कर सकूँ। तो देखिए आप इसका क्या हशर हो चुका है। तो मैं मार्केट गई, मुझे ये एस्टोनिश नज़र आया, तो मैंने कहा चलें तजर्बा करके देखते हैं क्या इससे ये साफ़ होता है। लेकिन ये इस कदर गंदा हो चुका था कि ये एस्टोनिश से, मतलब अगर आप आम रूटीन की जैसे वीकली सफाई करते हैं या पर मंथ भी आप सफाई करते हैं, तो ये सारी चिकनाई जो है, एस्टोनिश बहुत अच्छा है, ये स्प्रे जो है ये सारा वो उतार देगा, आपकी चिकनाई वगैरह बिल्कुल क्लियर कर देगा, किचन में ये सारी क्लियर हो जाएगी। लेकिन क्योंकि मेरा जो हुड है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, तो इस वजह से मुझे जो है इसके साथ कुछ दो हाथ दूसरी तरह करने पड़े। आप लोग जैसे वीकली वगैरह सफाई करते हैं तो आप एस्टोनिश यूज़ करें, बड़े आराम से, बड़ी जल्दी जल्दी बहुत प्यारा साफ़ सुथरा सा हो जाता है। आप सिंक में यूज़ कर लें, आप जो आपके पास इलेक्ट्रिक हुड है उस पर यूज़ कर लें, आप अपने इस पे स्टोव पे यूज़ कर लें। ये देखें, एस्टोनिश को यूज़ करने से ही देखें किस कदर चिकनाई उतर रही है। लेकिन क्योंकि ये डबल फिल्टर होता है, बाहर वाला तो साफ़ हो जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं अंदर वाले में चिकनाई बहुत ज़्यादा जमी हुई है। तो फिर मैंने सोचा चलें गर्म पानी करके इसको उतार ही लेते हैं। तो इसको अभी मैं एस्टोनिश दोबारा से स्प्रे कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। अच्छा जी, एक मज़े की बात ये है कि ये स्कॉच ब्राइट से भी साफ़ नहीं हो रही थी चिकनाई, गर्म पानी और स्कॉच ब्राइट से भी ये साफ़ नहीं हुई। फिर इसके बाद मैंने सोचा कुछ और ट्राई करें, फिर मैंने स्पंज लिया, ये देखें, इससे साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन ये फिर भी नहीं हुई। लेकिन इसके बाद मैंने जैसे मैजिक होता है उस तरह से मैंने ये लिया अपना तारू वाला जो कुचन होता है, इसको मैंने गर्म पानी में डिप किया, और यकीन जाने अभी तो मेरे एक हाथ में फ़ोन था उस वजह से ये ठीक नहीं हो रहा। लेकिन ऐसे बस एक दफ़ा मारने की आपको बस वो है ज़रूरत, आपने एक दफ़ा इसको लगाना है और बिल्कुल चिकनाई क्लियर हो गई, बिल्कुल नीट एंड क्लीन फिल्टर निकल आए थे। ये हम मोटरवे से जा रहे हैं, अल जलील गार्डन गए थे, वहाँ से वापस आ रहे हैं। मैंने कहा आपको ये भी सीन दिखा दूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, मैं कचनार गोश्त बना रही हूँ। कचनार को पहले मैं बॉईल करती होती हूँ 2 दफ़ा, उसके बाद प्याज लिए, प्याज को हमने थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है।
और जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है तो मैं उसी के अंदर जो है मटन डाल के, आप चिकन डालना चाहे चिकन डाल लें, मैं अभी मटन डाल रही हूँ, आप मटन डालना चाहे मटन डाल लें, तो इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन कर लेती हूँ ताकि जब सब्ज़ी बने तो फिर ये टूटे ना, गोश्त जो है वो बूटियाँ लैदा ना हों हड्डी से। इसके बाद इसके अंदर जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे रेड चिली पाउडर है, हल्दी पाउडर है, नमक है, वो सारा कुछ हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी हुशक मेथी और थोड़ा सा हुशक धनिया वो भी डाल लें, अच्छा टेस्ट बन जाता है। इसको हल्का सा पानी लगा के हम भून लेंगे। मैं हल्दी पाउडर डालना भूल गई थी, मैं अभी इसमें हल्दी मिक्स कर लेती हूँ। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और पानी लगा के प्रेशर को बंद कर देंगे सिर्फ तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो मटन है वो अच्छी तरह से पक जाए, गल जाए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस करेंगे। मैं वीडियो बनाते हुए भी वही बर्तन यूज़ करती हूँ जो मैं रूटीन में यूज़ करती हूँ। मैं मतलब मैं इतनी वो फॉर्मल नहीं हो सकती कि अब फॉर्मेलिटीज़ में मैं बहुत आला से बर्तन निकालूँ, जस्ट वीडियो की खातिर भाई मेरे पास जैसे भी है, मैं जो रूटीन में यूज़ करती हूँ वही मैं इस टाइम पर भी यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे पास बहुत काम होता है, इतना मेस होता है, मुझे जल्दी जल्दी बस काम ख़त्म करना होता है। ये भी मैं प्रेशर बंद कर चुकी हूँ, ढक्कन इसका उतार चुकी हूँ, देखिए गोश्त गल चुका है। अब इसके अंदर हम कचनार भी शामिल कर देंगे। कचनार को मैंने 2 दफ़ा पानी उबाल के निकाला हुआ है, ये देखिए ये हमारी कचनार आ गई साफ़ सुथरी सी, ये मैंने इसमें डाल दी। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि आप दही को अच्छी तरह से फेंट लें और इसको जो है आप इसमें सालन में ऐड कर दें, ताकि थोड़ा सा वो खुशक सा सालन बनने के बजाय थोड़ा ग्रेवी टाइप इस तरह से सालन बने, फिर वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब इसकी फाइनल शक्ल जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी कचनार की जो है अभी दही डालने के बाद थोड़ी देर हम लोग इसे भून लेंगे और फिर इसकी फाइनल शक्ल आपको। ये रही सालन की असली शक्ल, देखिए कितना प्यारा सा सालन बना है। नेक्स्ट डे जो है बड़ी शाम को बड़ी मज़े की एक सूरत हाल होगी। अभी मैं अपनी बेटी को जा रही हूँ कटिंग के लिए लेकर, उसने अपने बाल आगे से बेबी बनाते हुए माथे से काट लिए हैं सबसे छोटी वाली ने, तो खाना बनाने के बाद अब मैं उसे पार्लर लेके जा रही हूँ ताकि मैं उसकी कटिंग करवा दूँ। कमाल किस्म के शरारती किस्म के बच्चे हैं मेरे। मैं जब स्कूल से घर आई तो मेरे मियाँ कह रहे थे देखो टेरेस में किसी के बाल पड़े हुए हैं, किसी के बाल पड़े हुए हैं, तो मुझे समझ आ गई थी कि मेरी सबसे छोटी वाली ने ही काटे होंगे, तो वाकई में उसी ने काटे। ये हमने दरवाज़ा लगवाया हुआ है सीढ़ियों पर सबसे छोटे बेटे के लिए, ताकि कहीं वो लुढ़क के नीचे ही ना आ जाए। तो फिर भी वो इस दरवाज़े को खोलने की बहुत कोशिश करता है। वो देखें वो गेट पर पहुँच भी गई है, तो इसकी अभी मैं कटिंग करवाने जा रही हूँ। ये नेक्स्ट डे है। अब इतनी हेक्टिक रूटीन के बाद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बड़ी अच्छी तरह तैयार हो के आती। निशात का सूट पहना हुआ है मैंने, ये वाला मेरा सूट जो है ये निशात का है। तो अभी मैं नेक्स्ट डे जो है वो अपने स्कूल के लिए जा रही हूँ, देखिए बिल्कुल कैजुअल सी तैयार हुई हूँ। फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।